बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं फायजा मलिक। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। रोज न्यूज के प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में साबिक आर्मी चीफ की सच्ची खरी बातें। साबिक आर्मी चीफ के दबंग बयान पर पूरे भारत में सत्ताधारी जनरल रिटायर्ड असलम बेग का कश्मीर इशू पर मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान का साथ देगी, खरा और सच्चा बयान। भारत को एक आंख न पाया मोदी का, बकाउ मीडिया पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी पर उतर आया। ईरानी पार्लियामेंट में कश्मीरियों के हक में करारदाद, भारत में सफे मातम बिछ गई। भारत मकबूजा कश्मीर में मुजालिम बंद करे, ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान के बाद भारत को अपनी औकात याद आ गई। भारतीय मीडिया जो है ना, वो उसका कुछ और तरीका का है रवैया। ये है, बहुत बड़ी बड़ी वहां पे कॉरपोरेशंस हैं जिनके ये मीडिया हाउसेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो पैसे लेते हैं भारत में हुकूमत से, हुकूमत उनको रिश्वत देती है, हुकूमत उनको बहुत सारी मराहत देती है जिसकी वजह से उनके उनकी कमाई बढ़ी है। लिहाजा वो इस हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए हर तरह का झूठ बोलते हैं, उनके मीडिया हाउसेस हर तरह की वो ज्यादती करते हैं, जिस तरह भी हुकूमत को सूट करे, जिस तरह हुकूमत हासिल करना चाहे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब ने भारतीय मीडिया को बकाउ मीडिया करार दे दिया। रोज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, भारतीय मीडिया सच्चाई का साथ नहीं देता, मोदी को सपोर्ट करने के लिए हर तरह का झूठ बोलता है। भारतीय मीडिया की वजह से हित्ते का माहौल खराब हुआ, इंडियन मीडिया जंग की तरफ धकेलता है। मकबूजा आबादी में मुसलसल कर्फ्यू और पाबंदियों का आज 20वां रोज। भारतीय जुल्म के बावजूद कश्मीरियों का हौसला जवा। श्रीनगर में गुज़श्ता रोज हजारों अफराद का एहतजाज, मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तानी परचमों के साथ मार्च, एहतजाज में सैकड़ों खातीन भी शामिल। बुजुर्ग भारतीय फौज की शेलिंग, पैलेट गनों से हमले, मुतअद्दिद कश्मीरी जख्मी, घरों में घुसकर आंसू गैस के शेल गिरने से खातून शहीद। पीसफुल तरीके से रहना चाहते हैं, हम पीसफुल तरीके से इस मसले का हल चाहते हैं। वी विल इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह, वी विल फाइट अंटिल आवर लास्ट ब्रेथ फॉर आवर इंडिपेंडेंस। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद का श्रीनगर जाने का ऐलान, जेर हिरासत सियासी रहनुमाओं से मुलाकात और कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती करेंगे। मकबूजा कश्मीर में लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। मसला कश्मीर के हल के लिए दुनिया को अपना किरदार बढ़ाना होगा। अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलिहालोदी की खबर रसा इदारे से गुफ्तगू। फ्रांस में भारतीय वजीर आजम की आमद के खिलाफ मुजाहिरा। बर्मिंघम में भारतीय कौंसल खाने के खिलाफ एहतजाज। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में भारतीय सिफारतखाने के सामने तुर्क कम्युनिटी का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। इस्तांबुल में भारतीय कौंसल खाने के बाहर एहतजाज। दुनिया के सात बड़े सनती मुल्कों के ग्रुप G7 का सरबराह इजलास आज फ्रांस में शुरू हो रहा है। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि वो इजलास के मौके पर भारतीय वजीर आजम से मुलाकात में मसला कश्मीर पर बातचीत करेंगे। फ्रांसीसी सदर भी मोदी से मुलाकात करके मसले के हल पर जोर दे चुके हैं। मंशियात बरामदगी केस राणा सनाउल्लाह अदालत में पेश। जुडिशियल रिमांड में 5 रोज की तोसी। अदालत का राणा सनाउल्लाह को 28 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर ANF हुकाम को हर सूरत केस का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। राणा सनाउल्लाह की गाड़ी के मोटरवे पर दाखले की CCTV फुटेजेस भी अदालत ने पेश की गई।
जर्मन मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का पाक बहरिया के नेवल एयरबेस का दौरा। जर्मन अमले का पीएनएस मेहरान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। तीन रोजा दौरे में पेशावराना अमूर पर बातचीत। जर्मन अमले का पाक बहरिया की अहम तनसीबात का भी दौरा। अमरीका और चीन की तिजारती जंग मजीद शदीद। एक दूसरे की मसनूआत पर नए महसूलात का ऐलान। ट्रंप का अमरीकी कंपनियों को चीन से कारोबार बंद करने का हुक्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। शुमाली कोरिया ने मजीद दो नए मिसाइल समंदर में दाग दिए। जनूबी कोरिया का दावा है नामालूम प्रोजेक्टाइल्स समंदर में दागे गए। जनूबी कोरिया के सदर ने कौमी सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। और श्रीलंका मान गया 3-1 रोजा और 3T20 मैचेस की सीरीज पर इत्तेफाक। मैच 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। टेस्ट सीरीज दिसंबर में होगी। हेडलाइंस आप जान चुके। तफसीली खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।